हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निबंध गणतंत्र दिवस पर। मैं आपके साथ 15 पंक्तियाँ शेयर करूँगी हिंदी में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट लाइन है, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। सेकेंड लाइन है, यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड लाइन है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। फोर्थ लाइन है, भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिफ्थ लाइन है, इस दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। सिक्स्थ लाइन है, गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सेवन्थ लाइन है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेनाओं की शानदार परेड होती है। एट लाइन है, देश के राष्ट्रपति द्वारा लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। नाइन्थ लाइन है, इस अवसर पर राष्ट्रपति लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। टेन लाइन है, परेड में भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना भाग लेती है। इलेवेंथ लाइन है, देश के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जाते हैं। 12 लाइन है, इस दिन देश के बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 13 लाइन है, गणतंत्र दिवस पर सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन होता है। 14 लाइन है, गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्ष तथा उल्लास के साथ मनाया जाता है। 15 एंड लास्ट लाइन है, गणतंत्र दिवस हमें देश में एकता तथा प्रेम के साथ रहने की प्रेरणा देता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।